नमस्कार साथियों, आज हम आपको हमारे इस वीडियो में अपने नज़दीकी आधार कार्ड सेंटर को पहचानने के लिए या ढूंढने के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसका प्रोसेस बताएंगे कि आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर या एनरोलमेंट सेंटर का कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे UIDIA आधार। इसको सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमारे सामने आधार का ऑप्शन दिखाई देता है। तो UIDIA के ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से न्यू इंटरफेस ओपन होता है। तो हम यहाँ पर हमारी लैंग्वेज चूज कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम हमारी लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लेंगे। इंग्लिश चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर ली है। इसके बाद हमारे सामने न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। न्यू इंटरफेस होने के बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर हमें अपडेट आधार एट एनरोलमेंट अपडेट सेंटर का ऑप्शन दिखाई देता है। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपडेट आधार एट एनरोलमेंट अपडेट सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक किया दोस्तों हमने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों लोकेट एन एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर नियर यू। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके पास में कौन सा सेंटर है तो आपको वहाँ पर एनरोलमेंट जाकर करा सकते हैं या वहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। तो आपका नियर जो भी सेंटर हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको उसके तीन ऑप्शन दिख जाते हैं दोस्तों, स्टेट, पिन कोड और सर्च बॉक्स का। दोस्तों आप तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम तीनों ऑप्शन को आपको यूज करके दिखाएंगे कि कैसे इनको यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने न्यू इंटरफेस आ चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया था तो हमारे सामने न्यू इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारा स्टेट राजस्थान है तो हम राजस्थान के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों हमारा डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे जो भी हमारा ज़िला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम हमारा सब डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे, जैसे कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो दोस्तों हमारा अंता, अटरू, छपड़ा, छिबाड़ौद, मांगरू, शाहबाद, जो सा भी हो दोस्तों चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा गांव चूज कर लेंगे, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ये पिन कोड डाल देंगे जो दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारे पिन कोड डाल दिए जो हमारे नंबर दे रखे थे। लोकेट सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जितने भी हमारे 12 के अंदर आधार सेंटर सबके नाम आ जाएंगे, जो भी आपके पास हो आप जाकर अपना आधार अपडेट करा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 संख्या भी डली हुई है, ये सभी आधार सेंटर है दोस्तों। तो यहाँ पर जाकर अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं या आधार अपडेट करा सकते हैं। अब दोस्तों हम बैंक में चलते हैं, आपको दूसरा ऑप्शन को यूज करके बताते हैं। तो दोस्तों हम पोस्टर पिन कोड पे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम पोस्टर पिन कोड पे दूसरे ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पर हम हमारे पिन कोड नंबर डाल देंगे, अपने ज़िले के, अपने गांव के जो भी पिन कोड नंबर होते हैं। तो दोस्तों हम अपने ज़िले के पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पर वेरीफिकेशन कोड डाल देंगे। इसके बाद लोकल सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों वापस हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो दोस्तों आप पिन कोड डाल के भी इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आधार सेंटर आ गए, आप अपने आधार नज़दीकी आधार सेंटर को चूज करके वहाँ पर जा सकते हैं। अब हम तीसरे ऑप्शन को चूज करते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं तीसरे ऑप्शन को। तो दोस्तों हम सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप इंटर द लोकेलिटी का नाम, सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारी सिटी का नाम डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम फिर से कैप्चा डाल लेंगे।
दोस्तों हम यहाँ पर लोकेट और सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से हमारे सामने अपने ज़िले के सारे आधार सेंटर आ चुके हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप तीनों ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और अपने नज़दीकी आधार सेंटर का नेम चेक कर सकते हैं कि आपके नज़दीक में कौन सा आधार सेंटर है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपने नज़दीक आधार सेंटर या शॉप के बारे में पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से अपने नज़दीकी आधार सेंटर या शॉप का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।